नमस्कार दोस्तों, पोको X5 Pro स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये फ़ोन लॉन्च होगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर। इसका लॉन्च डेट निकल के आ चुका है और ऑफिशियल प्राइस भी लीक हो चुका है। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे और जानेंगे फुल डिटेल्स के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इन तक देखिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। देखिए, पोको X5 Pro स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इस फोन का स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि लुक एंड डिजाइन आपको पोको X4 Pro के जैसा ही देने को मिलेगा, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वह काफ़ी अच्छा है और प्राइसिंग काफ़ी कम होने वाला है। और जो भी चीज़ें हैं इस फोन से रिलेटेड वह सारा निकल के आ चुका है। वैसे ये फ़ोन फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर लॉन्च होने वाला है और लॉन्च डेट भी निकल के आ चुका है, तो हम सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे पोको X5 Pro स्मार्टफोन को। यह स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है और यह फ़ोन 3 कलर के साथ आने वाला है। तीनों कलर को आप यहाँ पर देख पाओगे। देखिए, स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा है और प्राइसिंग काफ़ी कम होने वाला है। जैसा कि पोको कोई भी फ़ोन को लॉन्च करता है तो उसका प्राइसिंग काफ़ी कम रखता है, लेकिन प्रॉब्लम आता है इसके मदरबोर्ड में। मतलब 1 ईयर के बाद इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आता है, ऐसा आपने देखा होगा, बिकॉज मैंने भी फेस किया है। मेरे पास पोको X2 स्मार्टफोन था जिसका मदरबोर्ड डेड हो चुका है। उसके बाद एक और है पोको X3 Pro, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो पोको के फ़ोन में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। अब चले हम बात करते हैं कि पोको X5 Pro स्मार्टफोन है, इसका क्या होगा स्पेसिफिकेशन, फिर हम बात करेंगे लॉन्च डेट और इंडिया प्राइसिंग के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो भी फर्स्ट लुक वगैरह है आप देख पाओगे, ये फोन देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे ये फोन आता है बॉक्सी डिजाइन के साथ। अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन का, तो पोको X5 Pro स्मार्टफोन है, इसमें आपको देने को मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले। और यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसमें दिया जाएगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आने वाला है। और डिस्प्ले ओवरऑल काफी अच्छे लेवल का है, जैसे कि रेडमी नोट 12 प्रो या फिर प्लस में डिस्प्ले दिया गया है, सिमिलर डिस्प्ले इसमें भी होने वाला है। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन है, इसमें आपको देने को मिलेगा 108MP का AI ट्रिपल कैमरा, जहाँ पर 108MP का मेन कैमरा है और यहाँ पर OIS वगैरह नहीं दिया गया है। उसके बाद 8MP का अल्ट्रा वाइड है, उसके बाद 2MP का दिया गया है माइक्रो कैमरा। उसके बाद इस फोन में दिया गया है 16MP का सेल्फी कैमरा, जो कि आने वाला है सेंटर 10E 5 होल के साथ, आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे। अगर हम बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन है, ये फोन आने वाला है स्नैपड्रैगन के 778G पर। यह प्रोसेसर थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन काफी कैपेबल है। मतलब अभी जो फोन लॉन्च हो रहा है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 वगैरह पर, उससे कहीं बेटर है स्नैपड्रैगन 778G। और हो सकता है आपको ये फोन देने को मिले LPDDR5 RAM के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ, बिकॉज स्नैपड्रैगन 778G ये सपोर्ट करता है। उसके बाद इसका पहला ब्रांड होने वाला 6GB 128GB का। उसके बाद इस फोन में दिया जाएगा 5000mAh का बैटरी, जो कि आने वाला 67W चार्ज सपोर्ट के साथ, और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। अगर हम बात करें कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन है, इसमें दिया गया है AMOLED डिस्प्ले, लेकिन देखने को मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, डुअल स्टीरियो स्पीकर होने वाला है, हेडफोन जैक भी होने वाला है। वैसे ये फोन 3 कलर के साथ लॉन्च होगा, तीनों कलर को आप यहां पर देख पाओगे। तो जो भी स्पेसिफिकेशन है वो काफी ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में, तो ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये लॉन्च होगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर। फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर मेंशन भी हो चुका है, आप यहां पर देख पाओगे। अगर हम बात करें लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फोन फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे लॉन्च होगा 6 फरवरी को 5:30 PM में, जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे। इसका ऑफिशियल निकल के आ चुका है और इसमें डेट को मेंशन किया गया है, जो कि आप यहां पर देख पाओगे। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो यहां पर जो पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन है, इसका प्राइसिंग भी निकल के आ चुका है। यहां पर जो 6128 का ब्रांड है, इसका बॉक्स प्राइसिंग होने वाला है 21,000 और डिस्काउंट वगैरह करने के बाद ये फोन आपको मिल सकता है under 20K में। तो under 20K में इस टाइप का स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा हो सकता है। वैसे पोको का जो एक्स सीरीज होता है उसका प्राइसिंग इसी टाइप से रखा ही जाता है, इसलिए यहाँ पर जो पोको X5 Pro 5G स्मार्टफोन है, इसका प्राइसिंग होने वाला है under 20K और इस प्राइसिंग में ये फोन काफी अच्छा हो सकता है। हालांकि आगे चल के प्रॉब्लम भी कई सारा आपको देने को मिलता है पोको के फोन में, लेकिन जो भी चीज है उसके बारे में आपने यहाँ पे जान लिया। धन्यवाद।